जय साई जी दी, जय बाबा मुराद शवली जी, रब एक जय साई जी। 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। जे चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब करो और बैल आइकन जरूर दबाओ ताकि तुहानू आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वह मिलती रहे। बाबा जी नीत नू मुराद है, नीत नू मुराद इन्हां साईं लोकां फकीरां कोल जैसी नीयत लैके जाने हैं वैसा ही कुछ झोली पा दिंदे। बाबा जी एक फकीर हुए ने हज़रत बैलोल दा ना, जुबेदा वाली गल जिन्होंने जन्नत दे घर दे दिते सीगे हज़रत बहलोल दा ना। वो दरअसल बड़े ही मस्त फकीर सी, जिदा कह लो भी उन्होंने ना कदे बच्चियां नाल खेडन लग पैना या इस तरह दी हरकतां करनियां कि जिस तरह लोकां नूं लगे कि पागल ने, दुनिया ने कहना भी पागल ने करे इदां दी हरकतां करनिया। पर उन्हां दी किसे भी बात दे विच, किसे भी लीला दे विच कोई ना कोई रमज जरूर हुंदी सी। और इन्हां फकीरां दीआं रमज़ां ही जिहड़ा समझ जांदा उह सब कुछ लै जांदा बाबा जी। और जिस तरह की भी इन्हां कोल या फकीरां कोल बंदा जैसी सोच लै के जांदा है ना वैसा ही वह कुछ झोली पा के भेज देंदे आ बाबा जी। तो एक बार दी गल है कि हज़रत बैलोल दाना फकीर बैठे सी ते उन्हां दे कोल एक आदमी गया, एक इंसान गया, तुहाडे मेरे वर्गा भी चलो साईं लोकां फकीरां दे कोल जिहड़ा उन्हां नूं मानदा मनन वाला है वह गया। तो उसने बैलोल दाना जी कोल जा के बेनती की कि सरकार ऐ फकीर मैं कोई कारोबार करना चाहुंदा हाँ, ऐ रब दे प्यारे मैं कोई कारोबार करना चाहुंदा हाँ, यानी कि मैं कोई बिजनेस करना चाहुंदा हाँ, ते मेरी बेनती है कि तुसी मैनूं राह पाओ, दसो मैं केड़ा व्यापार करां जी, क्योंकि तुसी रब दे फकीर हो, उस खुदा दे प्यारे हो और मेरे लिए की चंगा रहेगा या मेरे लिए की उचित रहेगा ये तुसी दसो। ते बहलोल दाना वेड़े फकर सी, उन्होंने अखा बंद कीतियां ते हसे थोड़ा जा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि तू रूई ते लोहे दा व्यापार शुरू कर दे, तेनू बहुत मुनाफा होएगा। कहन दा भाव के सस्ते दाम विच खरीद के और उन्हूं बेच, किसनू रूई ते लोहे नू, इन्हां दा व्यापार शुरू करन लई कहा था बाबा जी फकीरां ने। हुण जदों उसनू उन्होंने कहा कि तू ये व्यापार कर, तो उसने कहा जी सत वचन महाराज, क्योंकि यार जो भी कह दे बस बिस्मिल्ला, उन्हें भी यही किया भी सत वचन महाराज जी। और उसने बैलोल दाना जी दी उन्हां दे कहण ते उन्हां दे हुक्म दे मुताबिक फकीरां दे कहण ते बंदे ने जदों ये व्यापार शुरू किया तो थोड़े ही समा होया सी तो उस बंदे नूं बड़ा मुनाफा होया, क्योंकि मुर्शिद फकीर गुरु रहबर जानते होंगे है कि साढ़े लिए की ठीक है। सो वह राह भी पाते हैं जे उन्हां कोल कोई राह पुछे या उन्हां नूं कवे भी मैनूं राह दसो तां दस दे, क्योंकि जैसी नीयत ना जाना वैसा ही कुछ झोली पैना। तो हुण जदों थोड़े समय दे विच उसनूं मुनाफा होण लगा, उन्हूं तरक्की मिलन लगी, जदों कामयाबी मिलन लग पई तां उसे दा एक मित्र सी, एक दोस्त सी, उसने कहा कि यार तेरा तां बहुत कम चल पिया, बल्ले बल्ले हुई पई है, तो हुण तू मैनू भी दस के मैं किहड़ा व्यापार करां, क्योंकि जदों किसी का काम वधिया चलता ना बंदा उहदे कोल जांदा।
यार तेरा काम बड़ा वधिया, मैनू भी दस दे कुछ। तो उस वेले व्यापारी जिहड़ा वह बंदा सी जिहदा काम मुनाफे च सी, उसने जवाब दिता कि भाई ये काम मैं अपनी मर्जी नाल शुरू नहीं किया, एक रब दे फकीर ने, रब दे प्यारे ने, बहलोल दाना जी, उन्होंने मैनू हुक्म किया सी कि रूई ते लोहे दा व्यापार शुरू कर, तेरे इस काम विच बड़ा वाधा होवेगा। इसलिए उन्होंने हुक्म नाल मैं काम शुरू किया और अज जो भी कामयाबी मैनू मिली है ये उन्होंने ही राह दिखाए दे रंग है, ते अज मैनू मुनाफा हो रहा है, रहमतां बरस रही हैं। इसलिए जे तू भी चाहुंदा है कोई व्यापार शुरू करना तो इस तरह कर, तू भी उन्हां कोल सलाह लै या जाके सलाह लै ला उन्हां कोल। तो हुण उस बंदे ने भी सोचा कि चलो जे ये कह रहा है कि इसने बहलोल दाना फकर दी सलाह नाल व्यापार शुरू किया है तो इसका मुनाफा हो रहा है, जे फकीरां दी सलाह नाल मेरे इस व्यापारी मित्र दा व्यापारी दोस्त दा काम चल सकता है तो फिर मेरा भी चलेगा। मन च आ गई ना गल। तो उन्हें भी फिर तलाश शुरू की, पुछदा पुछदा जदों बहलोल दाना जी दे कोल पहुंचया तो की देखदा है कि बहलोल दाना बच्चों नाल खेड रहे है और ऐसी खेड खेड रहे थे कि आप घोड़े बने हुए सी ते बच्चे उन्हां दी पिठ पिठ दी सवारी कर रहे सी, मतलब आप इदा घोड़े जिदा हाथ भी अगे वाले थले तो वह गोडे ला के नहीं घोड़ा बन बच्चे उत्ते आते, हूँ वह भी ऐसा कि कदे एक बच्चा छाल मार के चढ़ जाता सी कदे दूजा चढ़ जाता सी, तो फिर वह बच्चों नू मतलब डांटते भी सी प्यार नाल कि सवारी करन दी सारयां दी वारी आएगी। हुण जदों उस बंदे ने देखिया कि बहलोल दाना जी, उन्हें देखिया भी बहलोल दाना, तो वह सोच रहा है कि यार ये कोई फकीर तो लगता नहीं है, ये तो पागल लगता है, ये कोई फकीर है, ये तो पागल है, क्योंकि दुनियादार तो यही सोचते हैं कि फकीर तो एक जगह बैठे है रब की इबादत करते होंगे, पर ये दुनियादार नहीं समझते कि ये फकीर एक ऐसे मुकाम ते पहुँच जाते हैं कि इन्हों का सब कुछ जो भी कर रहे होंगे बाबा जी वह इबादत ही हो जाता है, उठना बहना सोना जागना हसना खेडना सब इबादत दे विच ही आ जाता है, और जिहड़ी चीज़ इन्हां दे नाल लग जाती है वह भी पाक हो जाती है बाबा जी। और इत्थे उन्होंने उस बंदे ने भी सोचा कि यह कोई फकीर है कि यह कोई पागल है और ऐसी खेड बच्चों नाल खेड रहा है जो सियाणा बंदा खेडदा ही नहीं है। हुण उह उन्हां दी हरकत तो यही सोचता है कि यार ये फकीर नहीं कोई पागल है, तो भी सोचता है कि चलो कोई ना फिर भी मेरे दोस्त ने कहा है और जे एडी दूर आया ही हाँ लभदा लभदा जे मिल ही गया तो सलाह ले लवा। हुण कहिंदे कि वह इंतजार करन लग पिया कि कदों ये बच्चों तो वेले होण ते मैं अपना सवाल रखा, क्योंकि दोस्त ने कहा भी उन्हां को सलाह लैके आ। तो हुण जदों थोड़ी देर बाद बहलोल दाना बच्चों नाल खेडदे खेडदे जदों बच्चे उन्हां नाल खेड के चले गए तो एक साइड ते जाके बैठ गए, तो ये जिहड़ा शख्स सी ये इंसान सी ये जाके कहिंदा पता की कहिंदा, कहिंदा ओए पागल फकीर, क्योंकि उन्हां दी हरकतां ही उन्हें देखियां सी बंदे ने, वो बंदे दी एक आदत हुंदी है कि वह बस बाहर नूं ही देखदा, काश साईं लोग फरमाउंदे काश ये इंसान जिहड़ा अंदर नूं देख सके तां गल ही बंदे दी कुछ होर हो जावे, क्योंकि जदों कोई बंदा फकीरां दे अंदर नूं समझ लैंदा है ना कि वाकई ये कोई रहमत भरी रूह है तो फिर बंदे दी जिंदगी च बदलाव कहिंदे लाजमी आउंदा है, लाजमी साईं लोग फरमाउंदे कि जदों उन्हां दी अंदरली बात नूं समझण लग पए ना तो जिंदगी च बदलाव आएगा ही आएगा। पर हुण इसे आदमी ने की कहा कहिंदा वह पागल फकीर, मैनू दस मैं किहड़ा व्यापार करा जिहदे विच मैनू फायदा होवे। तां बहलोल दाना जी ने हस के कहा कि तू तरबूज दा व्यापार कर लै, तरबूज बाबा जी हदवाणा वाटरमेलन,
कि जा तू तरबूज का व्यापार कर लै। हुण इह वी गया, इहदे कोल जो भी पैसे सी उन्होंने तरबूज खरीद ले, क्योंकि हुण अपने व्यापारी दोस्त नूं देखिया सी जिहनूं बहुत मुनाफा होया, तां इह कहिंदा वी मैं अपना सारा पैसा ही तरबूजां विच ला देवां। हुण तरबूज जिहड़े वाटरमैलन सी तरबूज सी उह खरीद के लियावांगा ते ज़्यादा दाम मिलेगा, फिर मैनू भी मुनाफा होएगा। यही सोच है बंदे दी। ते हुण जदों इहने तरबूज खरीदे तां कुदरत देखो रब दी कि एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गए, चार दिन, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता हो गया ते कोई लैण ही नहीं आया। बाबा जी इत्थे गिरा गौर फरमाना कि तरबूज जिहड़ा हुंदा ना वाटरमैलन उह ज़्यादा देर ठीक नहीं रहिंदा, खराब हो जाता है। भले अज कल तो चलो कोल्ड स्टोर बने हुए है या होर ऐसे तकनीक्स आ गई भी उन्हें बचाया जा सकता है, पर उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सी, और ऐसा है नहीं सी कुछ भी कि वो बचाया जा सके। हुण होया कि उसके सारे ही तरबूज उन्हें सारा ही उन्हें एक्चुअली सारा कुछ ही अपना पैसा धन दौलत उहदे च ही दाता कि मैनू उहनू मुनाफा होया मैनू भी होगा, पर गल उही दिल दी आ गई ना। हुण तरबूज खराब हो गए, उन्हें बहुत घाटा पै गया, तो जदों पिया घाटा होया परेशान, तो फिर गया अपने उस मित्र कोल जिहदा बिजनेस सी, जिहड़ा बिजनेस सी वह बहुत चल रहा सी। उहनू जाके कहिंदा कि यार तू मैनू किदां दे फकीर कोल भेज दिता, तेनू तो दिन रात मुनाफा हो रहा है, तो मैं उन्हां दे कहन ते काम शुरू किया तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो सारे पैसे ला बैठा सी। तेरे कहन ते मैं उस फकीर कोल गया सी, पर उस फकीर ने वो पागल जे ने मैनू सलाह किदां दी दित्ती कि मेरा नुकसान ही हो गया, सारा कुछ बर्बाद हो गया। हुण उह जिहड़ा वपारी सी जिहनूं मुनाफा हो रहा सी, जिहड़ा फायदे विच सी, उह कहिंदा बई इदां तां कदे हो ही नहीं सकदा, मैनू देख, मेरा काम देख, दिन दुगनी रात चौगुणी तरक्की कर रहा, यह उन्हां दी सलाह नाल उन्हां दे हुक्म दे नाल जदों मैं तरक्की कर रहा हाँ तां तैनू किदां लॉस हो सकदा, तैनू घाटा हो ही नहीं सकता, घाटा किदां हो सकता, क्योंकि ये जो मेरे कोल अज ये उन्हां दे प्रताप है, उन्हां दे बचना दे प्रताप है, उन्होंने दसे है तां रहमत बरसरी है, पर तैनू घाटा किदां हो सकता है। चल जाके फकीरां नूं पुछदे आ, जाके फकीरां नूं पुछदे। हुण दोनों दोस्त चल पए लभण बहलोल दाना जी नूं, ते जदों लभिया देखिया कि बहलोल दाना हाथ विच डंडा फड़िया, एक सोटी फड़ी है, जमीन ते मिट्टी है, वो मिट्टी ते कुछ लिख रहे है, उन लिखी जांदे सी मिटाई जांदे सी, लिखी जांदे सी मिटाई जांदे सी, तां दूरों ही इसने जिहनूं घाटा पिया सी इहने वह मुनाफे वाले मित्र नूं कहा कि ओ पागल की कर रहा है, देख जरा ते तू मैनूं इस पागल कोल भेजिया। वह मुनाफे वाला जिहड़ा वपारी सी वह कहिंदा सबर कर भाई, थोड़ा सबर कर, चल जाके सवाल करदे आ फकीरां नूं। तां कहिंदे फकीरां दे कोल जाके वपारी दोस्त ने वह जिहड़ा मुनाफे वाला सी जिहदा काम बनिया सी हथ जोड़ के खड़ गया उन्हां कोल कि महाराज ऐ फकीर मैं एक सवाल लैके आया। महाराज बहलोल दाना ने देखिया, मुस्कुराए, कहिंदे बोल की सवाल है तेरा। कहिंदा जी मेरा सवाल है कि जदों मैं तुहाडे कोल महाराज आया, आ के हुक्म मंगिया तुहाडा कि महाराज मैं कोई व्यापार करना चाहुंदा आ, ते किहड़ा व्यापार करां, ते तुसीं मैनूं सलाह दित्ती कि रूई ते लोहे दा व्यापार शुरू कर दे, तैनूं बड़ा मुनाफा होएगा। सो महाराज तुहाडे हुक्म दे नाल तुहाडे वचनां दे नाल मैं व्यापार शुरू कीता, मैनूं वाकई ही बड़ा मुनाफा हो रहा है, पर यह जो मेरा मित्र आया इहने तुहाडे कोल आ के सवाल कीता कि मैं किहड़ा व्यापार करां, तां तुसीं इहनूं कहा कि तरबूज दा व्यापार कर, और अज इहनूं बहुत ज़्यादा घाटा पै गया है महाराज, तां बर्बाद हो गया है, तां इह मैनूं मेहणे मार रहा है क्योंकि मैं इहनूं तुहाडे कोल भेजिया सी। ते महाराज मैं यही जानना चाहुंदा आ कि तुहाडे हुक्म नाल इहने काम शुरू कीता सी ते इहनूं मुनाफा क्यों नहीं होया, इहनूं घाटा क्यों हो गया।
ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਨੀਤ ਹੈ ਔਰ ਨੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਇਹ ਸਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਣ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੌਸਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ